हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। टुडे वी हैव अ सेशन ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल ब्रांच। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। सो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग इज अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग दैट स्टडीज द मेजरमेंट एंड कंट्रोल ऑफ अ प्रोसेस वेरिएबल्स एंड द डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिस्टम दैट इनकॉर्पोरेट देम। सो अल्टीमेटली वी कैन से दैट आईसी ब्रांच इज डीलिंग विद द मेजरमेंट एंड कंट्रोल। सो देर आर थ्री स्टेप्स फॉर कंट्रोल एंड दे आर सेंस, कंपेयर एंड कंट्रोल। सेंस विच मीन्स वी आर फर्स्ट सेंसिंग द क्वांटिटी, देन वी आर कंपेयरिंग द क्वांटिटी विथ अवर डिजायर्ड क्वांटिटी और अ सेट पॉइंट, एंड फाइनली वी हैव अ कंट्रोल विच मीन्स वी आर टेकिंग द करेक्टिव एक्शन। सो सेंस, कंपेयर एंड कंट्रोल। वॉट आर द कॉमन प्रोसेस वेरिएबल्स? सो दीज आर द कॉमन प्रोसेस वेरिएबल्स विच आर टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लो, लेवल, वाइब्रेशन, विस्कोसिटी, डेंसिटी एट्सेट्रा। SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज कैलविन। समटाइम्स इन द एग्जाम दे मे बी आस्क सम। SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। SI यूनिट ऑफ फ्लो इज मीटर क्यूब पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन बाय सेंसर? सो सेंसर इज अ डिवाइस दैट मेजर्स द फिजिकल क्वांटिटी एंड कन्वर्ट्स इन टू द सुटेबल सिग्नल फॉर प्रोसेसिंग। सो इट इज कन्वर्टिंग द फिजिकल क्वांटिटी इन टू द इक्विवेलेंट क्वांटिटी विच कैन बी डिटेक्टेड, विच कैन बी सुटेबल सिग्नल फॉर प्रोसेसिंग। वॉट इज मीन बाई ट्रांसड्यूसर? सो ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट द वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। वॉट इज ट्रांसड्यूसर दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। सो देर आर टू काइंड ऑफ ट्रांसड्यूसर वी हैव, एक्टिव ट्रांसड्यूसर एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर। सो दिस डिफरेंस समटाइम्स दे मे बी आस्क इन द इंटरव्यू और इन द एमसीक्यू। सो एक्टिव ट्रांसड्यूसर, सो एक्टिव ट्रांसड्यूसर डू नॉट नीड एक्सटर्नल पावर सप्लाई फॉर ऑपरेशन। पैसिव ट्रांसड्यूसर दे नीड एक्सटर्नल पावर सप्लाई फॉर देयर ऑपरेशन। एंड दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर, थर्मोकॉपल एंड फोटोसेल। बिकॉज वी ऑल नो दैट वेन एवर एनी थर्मोकॉपल इज सब्जेक्टेड टू अननोन टेम्परेचर, इट विल जनरेट द मिली वोल्ट। सो इट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल पावर सप्लाई, बट इन द थर्मिस्टर एंड एलडीआर केस दे रिक्वायर एक्सटर्नल पावर सप्लाई टू ऑपरेट। सो दैट इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर। कंट्रोल सिस्टम, सो देर आर टू काइंड ऑफ कंट्रोल सिस्टम वी हैव। वी हैव ऑलरेडी सीन द डेफिनेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल दैट डील्स विद द मेजरमेंट एंड कंट्रोल। सो इन द कंट्रोल सिस्टम देर आर टू काइंड ऑफ कंट्रोल सिस्टम, ओपन लूप सिस्टम एंड क्लोज लूप सिस्टम। सो इन द ओपन लूप सिस्टम वी हैव वी डोंट हैव अ फीडबैक। द क्लोज लूप सिस्टम वी हैव अ फीडबैक। एरर डिटेक्टर इज एबसेंट, एरर डिटेक्टर इज प्रेजेंट। ओपन लूप सिस्टम इज इनएक्यूरेट, क्लोज लूप सिस्टम इज एक्यूरेट। इट इज अ सिंपल, इट इज अ कॉम्प्लेक्स, बिकॉज वी हैव टू डिजाइन द कंट्रोल मैकेनिज्म, दैट्स वाई इट इज अ कॉम्प्लेक्स। इट रिक्वायर्स अ लेस मेंटेनेंस, इट रिक्वायर्स मोर मेंटेनेंस। इन द ओपन लूप सिस्टम वी हैव अ हैंड ड्रायर, ब्रेड टोस्टर, एयर हीटर। इन द क्लोज लूप सिस्टम वी हैव अ सर्वो वोल्टेज स्टेबिलाइजर, सोलर ट्रैकिंग सिस्टम एंड एनी सिस्टम विच इज हैविंग अ फीडबैक वी कैन कंसिडर एज अ क्लोज लूप सिस्टम। इट इज अ इकोनॉमिकल और इट इज अ कॉस्टली कंपेयर टू द ओपन लूप सिस्टम। नेक्स्ट वी हैव दैट वी हैव सीन इन द लास्ट सेशन वी हैव सीन द प्रोसेस वेरिएबल्स, टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लो, लेवल। सो टेम्परेचर मेजरमेंट, सो द बाय डेफिनेशन टेम्परेचर कैन बी डिफाइन एज द टेम्परेचर इज अ मेजरमेंट ऑफ मेजर ऑफ हॉटनेस और अ कोल्डनेस। सो दीज आर द डिवाइस दैट कैन बी यूज टू मेजर द टेम्परेचर, थर्मोकपल, आरटीडी, थर्मिस्टर एंड आईसी सेंसर। सो इन दिस दे कैन आस्क दैट विच टेम्परेचर डिवाइस हैज द हाइएस्ट सेंसिटिविटी। सो आंसर इज थर्मिस्टर, थर्मिस्टर हैज द हाइएस्ट सेंसिटिविटी। What is the output of thermocouple? So they can ask what is the output of thermocouple? So output of thermocouple is millivolt. What is the output of RTD? So RTD is a resistor temperature detector. When it is subjected to unknown temperature, it will generate, it will change its resistance, and we have a IC sensor. So this is the characteristics of thermocouple. It is a self-powered, simple, rugged, inexpensive, widely variety एंड वाइड टेम्परेचर रेंजेस। थर्मोकपल में भी बहुत सारे टाइप के थर्मोकपल होते हैं, जैसे बी ई जे के आर एस टी वाई, टाइप बी, टाइप जे, टाइप के आर एस टी वाई। सो दे कैन आस्क के विच थर्मोकपल इज मोस्ट लीनियर। सो वी कैन से दैट टाइप के टाइप थर्मोकपल इज मोस्ट लीनियर। वो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि थर्मोकपल में सबसे ज़्यादा सेंसिटिविटी किसकी, कौन से थर्मोकपल की है। तो टाइप ई हैज़ द हाइएस्ट सेंसिटिविटी। थर्मिस्टर हैज़ अ नेगेटिव टेम्परेचर कोऑफिशिएंट। सो एज द टेम्परेचर चेंजेस, रेजिस्टेंस विल चेंज, सो इट हैज़ अ नेगेटिव रिस्पॉन्स। सो एज द रेजिस्टेंस टेम्परेचर इंक्रीजेज, रेजिस्टेंस डिक्रीजेज, बिकॉज इट हैज़ एन टी सी कैरेक्टरिस्टिक्स।
IC sensors. IC sensor has the most linear, highest output, and it is inexpensive. So this is all about the temperature measurement, temperature, different kind of temperature measuring device and their characteristics and their applications. टेम्परेचर मेजरमेंट में इंटरव्यू में या एमसीक्यू में ये भी पूछ सकते हैं कि इक्विवेलेंसी. सो देर आर फोर स्केल्स फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट, केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट. सो केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन इक्वेशन यहाँ पे लिखा है. सो के इज इक्वल टू, केल्विन इज इक्वल टू सी प्लस 273. आर स्टैंड्स फॉर रैंकिन साइकिल, फाई आर इज इक्वल टू 9K. रैंकिन साइकिल इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट प्लस 459.69. ये जो ग्राफ दिखा है उसमें दिखाया जाए कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है. सो बॉइलिंग पॉइंट पे केल्विन सेल्सियस जो होगा 100 डिग्री सेल्सियस, जैसे बॉइलिंग पॉइंट हम कहते हैं, केल्विन जो है उस पे केल्विन में 373 वैल्यू है और फ़ारेनहाइट स्केल के 212 वैल्यू है. सो दिस इज़ द कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट. कभी कई बार एमसीक्यू में ये भी पूछ सकते हैं कि कौन से स्केल पे केल्विन और सेल्सियस सेम होगा, या रैंकिन या केल्विन स्केल सेम होगा. सो वी कैन कन्वर्ट विद द यूज़ ऑफ दिस इक्वेशंस. नेक्स्ट वी हैव अ प्रेशर मेजरमेंट. प्रेशर कैन बी डिफाइन एज अ फोर्स पर यूनिट एरिया एंड दिस आर द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर कन्वर्जन. सो 1 PSI इज इक्वल टू 7 kPa. 1 bar इज इक्वल टू 1 atmospheric प्रेशर इज इक्वल टू 14.7 PSI. 1 bar इज इक्वल टू 14.5 PSI इज इक्वल टू 100 kPa. यू कैन ऑल्सो राइट और यू कैन ऑल्सो टेक द स्क्रीन शॉट. सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रेशर मेजरमेंट. इन द प्रेशर मेजरमेंट क्लासिफिकेशन वी हैव अ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रो मैकेनिकल. इन द मैकेनिकल देर आर टू टाइप, स्टेटिक एंड डायनेमिक. इन द स्टेटिक वी हैव अ मैनोमीटर, यू ट्यूब, वेल टाइप एंड इंक्लाइन टाइप. इन द डायनेमिक वी हैव डायफ्राम, बेलोस एंड बॉर्डन ट्यूब टाइप. देर आर 3 types ऑफ बॉर्डन ट्यूब, सी टाइप, हेलिकल टाइप एंड स्पायरल टाइप. इन द डायफ्राम वी हैव अ फ्लैट, कोरोगेटेड एंड कैप्सूल टाइप. प्रेशर मेजरमेंट में जनरली ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वॉट इज मीन बाय वैक्यूम प्रेशर. सो वी कैन से दैट वैक्यूम प्रेशर इज द प्रेशर बिलो एटमोस्फेरिक प्रेशर, कैन बी कंसिडर एज अ वैक्यूम प्रेशर. वॉट इज एब्सोल्यूट प्रेशर? सो एब्सोल्यूट प्रेशर इज द एडिशन ऑफ गेज प्रेशर प्लस एटमोस्फेरिक प्रेशर. सो दिस वे दे कैन आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम प्रेशर मेजरमेंट. एक्चुअली प्रेशर मेजरमेंट इज अ वेरी वाइड एरिया, बट वी आर कवरिंग सम ऑफ द क्वेश्चन. फ्लो मेजरमेंट. सो फ्लो मेजरमेंट में वी हैव अ वेरिएबल हेड टाइप, वेरिएबल एरिया टाइप एंड सम मिसेलिनियस. इन द वेरिएबल हेड टाइप वी हैव अ वेंचुरी ट्यूब, ओरिफिस एंड नोजल टाइप. वेरिएबल एरिया में हमारे पास रोटामीटर एंड सम मिसेलिनियस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर एंड टर्बाइन फ्लो मीटर. सो देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लो. वी हैव इन्फरेंशियल फ्लो, मास फ्लो एंड वॉल्यूमेट्रिक फ्लो. फॉर वॉल्यूमेट्रिक फ्लो वी हैव अ यूनिट लाइक मीटर क्यूब पर सेकंड. फॉर मास फ्लो वी हैव अ केजी पर सेकंड. एंड इन इन्फरेंशियल फ्लो, सो इन्फरेंशियल फ्लो कैन बी डिफाइन एज अ फ्लो रूट इज स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर. इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड सिग्नल. इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड सिग्नल जनरली इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, वो 4 to 20 mA है, और न्यूमेटिक सिग्नल है वो 3 to 15 PSI है. सो वाई दे चूज द रेंज, वी हैव अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस. यू कैन गो टू द वीडियो सेक्शन इन अवर चैनल एंड यू कैन सी वाई दे चूज द 4 to 20 mA स्टैंडर्ड इन द इंडस्ट्री. सो दिस आर द कॉमन इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड सिग्नल रेंज फॉर इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड न्यूमेटिक सिग्नल. कंट्रोल वाल्व कैरेक्टरिस्टिक्स. सो वी ऑलरेडी नो दैट कंट्रोल वाल्व इज अ डिवाइस विच इज यूज टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ लिक्विड और गैस. इन द कंट्रोल वाल्व कैरेक्टरिस्टिक्स देर आर 3 major कैरेक्टरिस्टिक्स, विच इज क्विक ओपनिंग, लीनियर एंड इक्वल परसेंटेज. एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स आर बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ स्टेम ओपनिंग एंड परसेंटेज ऑफ फ्लो. सो इफ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ क्विक ओपनिंग, सो क्विक ओपनिंग में क्या होगा, जैसे ही हम कंट्रोल वाल्व थोड़ा ऑन, थोड़ा उसका स्टेम उसका ओपन करते हैं, वी आर गेटिंग द मैक्सिमम फ्लो. सो दैट इज अ क्विक ओपनिंग. इन द लीनियर वी हैव अ लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द इक्वल परसेंटेज एंड सम परसेंटेज इज डिफाइंड. सो दीज आर सम ऑफ द मॉडिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी हैव अ स्क्वायर रूट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मॉडिफाइड पैराबोलिक एंड हाइपरबोलिक. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे इंटरव्यू में भी पूछते हैं. सो वॉट इज कंट्रोल वाल्व ट्रिम? सो द ऑपरेटिंग पार्ट ऑफ अ कंट्रोल वाल्व विच आर नॉर्मली एक्सपोज टू द प्रोसेस फ्लूड आर रेफर्ड एज अ कंट्रोल वाल्व ट्रिम. जो प्रोसेस फ्लूड के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आते हैं वो सारे कॉम्पोनेंट्स को कंसिडर करेंगे कंट्रोल वाल्व ट्रिम में. जनरली यूजली पार्ट्स लाइक स्टेम, प्लग एंड डिस्क एंड सीटिंग सर्फेस कैन बी कंसिडर एज अ कंट्रोल वाल्व ट्रिम. क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स. सो इंस्ट्रूमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स है विच इज अ स्टेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स. सो स्टेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट आर कंसिडर वैन इट इज यूज फॉर मेजरिंग अ क्वांटिटी और कंडीशन दैट डज नॉट वेरी विद द टाइम.
सो वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो टाइम के साथ वेरी नहीं करेगी, दैट कैन बी कंसिडर्ड अ स्टेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड दैट कैरेक्टरिस्टिक्स विच वेरीज विद द टाइम दैट कंसिडर एज अ डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स. दिस इज दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्टेटिक एंड डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स. स्टेटिक कैरेक्टरिस्ट में एक्यूरेसी है, प्रिसीजन है, ड्रिफ्ट है, डेड जोन है, और डायनेमिक कैरेक्टरिस्ट में स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स, फिडेलिटी, लेग एंड डायनेमिक एरर. इन आवर चैनल देर इज अ वीडियो फॉर दिस स्टेटिक कैरेक्टरिस्ट, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इज देयर फॉर स्टेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स. सो यू कैन विजिट एंड यू कैन हैव द बेटर आइडिया. नेम द डिफरेंट टेस्ट इनपुट्स. सो दीज आर द डिफरेंट टेस्ट इनपुट्स, स्टेप इनपुट, रैंप, इम्पल्स, साइनोसोइडल एंड पल्स इनपुट. समटाइम्स दे आस्क द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ स्टेप इनपुट विच इज अ 1/s. रैंप का 1/s² होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और इम्पल्स का 1 होगा. वॉट इज मैनिपुलेटेड वेरिएबल. सो इट इज अ वेरिएबल विच इज यूज टू ऑल्टर द वैल्यू ऑफ अ कंट्रोल वेरिएबल. जैसे मैनिपुलेटेड वेरिएबल का हम बात करें तो सपोज वी आर कंट्रोलिंग द टेम्परेचर ऑफ द वाटर यूजिंग अ स्टीम. सो स्टीम को मैनिपुलेटेड वेरिएबल कहा जाएगा, क्योंकि विद द यूज ऑफ स्टीम वी आर कंट्रोलिंग द टेम्परेचर ऑफ द वाटर विच इज अवर सेट पॉइंट. वॉट इज पर्पज ऑफ द फाइनल कंट्रोल एलिमेंट. सो कंट्रोल वाल्व कैन बी डिफाइन एज अ कंट्रोल वाल्व इज अ डिवाइस विच इज यूज टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ लिक्विड और गैस. समटाइम्स इट कंट्रोल वाल्व एवरी टाइम कंट्रोल वाल्व रिफर्स टू द फाइनल कंट्रोल एलिमेंट. सो कंपोनेंट ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम इज अ यूज टू डायरेक्टली रेगुलेट द फ्लो ऑफ एनर्जी और मटीरियल टू द प्रोसेस दैट इज द मेन पर्पज ऑफ फाइनल कंट्रोल एलिमेंट. वॉट इज सर्वो मैकेनिज्म एंड रेगुलेटरी ऑपरेशन. सर्वो ऑपरेशन एंड रेगुलेटरी ऑपरेशन. सो इफ द पर्पज ऑफ कंट्रोल सिस्टम इज टू मेक द प्रोसेस फॉलो द चेंजेस इन सेट पॉइंट एज क्विक एज पॉसिबल, दैट कैन रिफर एज अ सर्वो ऑपरेशन. सो सर्वो सिस्टम में क्या होता है कि सेट पॉइंट कंटिन्यूसली चेंज रहता है, और डिस्टर्बेंस जनरली रिफर्स टू द कॉन्स्टेंट. सो अगर सोलर ट्रैकर का एग्जाम्पल देख लो तो कंटिन्यूसली उसमें सेट पॉइंट चेंज होता रहेगा, जैसे ही सन अपनी डायरेक्शन चेंज करता है. सो दैट कंसिडर एज अ सर्वो ऑपरेशन. इन द रेगुलेटरी ऑपरेशन, रेगुलेटरी ऑपरेशन में क्या होगा कि सेट पॉइंट हमारा फिक्स रहेगा, और हमारा लोड डिस्टर्बेंस है, लोड विच इज कंटिन्यूसली वेरिंग, सो दैट कैन बी कंसिडर एज अ रेगुलेटरी ऑपरेशन. सर्वो कंट्रोल को कहीं पर ट्रैकिंग कंट्रोल भी कहा जा सकता है सम ऑफ द केसेस, एंड रेगुलेटरी कंट्रोल को स्टेबलाइजिंग कंट्रोल भी कहा जा सकता है इन सम ऑफ द एप्लीकेशन. पीआईडी कंट्रोलर, द मेन फंक्शन ऑफ अ कंट्रोलर इज टू गेट द डिजायर रिस्पॉन्स, डिजायर वैल्यू. सो वी हैव सो मेनी कंट्रोलर्स अवेलेबल. ऑन ऑफ कंट्रोलर, पीआईडी कंट्रोलर, फजी कंट्रोलर, न्यूरल कंट्रोलर, मॉडल प्रिडिक्टिव कंट्रोलर. सो लेट अस टॉक अबाउट द पीआईडी कंट्रोलर. प्रपोज द थ्री टर्मिनोलॉजी स्टैंड्स फॉर प्रपोर्शनल, इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव. सो दीज आर द इफेक्ट ऑफ दिस थ्री टर्मिनल केप, प्रपोर्शनल गेन, इंटीग्रल गेन एंड डेरिवेटिव गेन. सो इफ वी इंक्रीज द प्रपोर्शनल गेन देन राइज टाइम विल डिक्रीज, ओवरशूट विल इंक्रीज, सेटिंग टाइम जो होगा वो स्मॉल चेंज रहेगा, स्टेडी स्टेट एरर डिक्रीज रहेगा, और स्टेबिलिटी डिग्रेड रहेगा. इंटीग्रल गेन, के आई, इंटीग्रल गेन का मेन सिग्निफिकेंस है इट एलिमिनेट्स द स्टेडी स्टेट एरर. सो वेन एवर वी टॉक अबाउट द इंटीग्रल गेन, इट एलिमिनेट्स द स्टेडी स्टेट एरर. और डेरिवेटिव गेन है. सो डेरिवेटिव गेन को रेट गेन भी कहा जा सकता है, कहा जा सकता है. डेरिवेटिव गेन में राइज टाइम में माइनर चेंज रहेगा, ओवरशूट विल डिक्रीज, सेटलिंग टाइम विल डिक्रीज, एंड नो अफेक्ट इन द स्टेडी स्टेट एरर. सो अल्टीमेटली वी कैन से दैट द इफ वी वॉन्ट टू इम्प्रूव अवर स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, वी हैव टू इनकॉर्पोरेट द इंटीग्रल गेन. हमारे स्टेडी स्टेट एरर को रिमूव करना है, सो इंटीग्रल गेन यूज करेंगे. एंड इफ वी वॉन्ट टू मेक द सिस्टम फास्टर, सो वी आर एंड इफ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव द ट्रांजियंट रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, सो वी आर इंक्रीजिंग द डेरिवेटिव गेन. सो दिस इज ऑल अबाउट द पीआईडी कंट्रोलर, केपी, केआई एंड केडी. अनदर क्वेश्चन सर, वॉट इज द यूनिट ऑफ ड्यू पॉइंट. सो जनरली हमने ड्यू पॉइंट से हम फेमिलियर है कि ड्यू पॉइंट क्या होता है. सो ड्यू पॉइंट इज द टेम्परेचर नीडेड फॉर द कंडेंसेशन. सो जनरली ड्यू पॉइंट का यूनिट होगा, जो टेम्परेचर का यूनिट होगा, एंड दैट यूनिट इज द यूनिट ऑफ ड्यू पॉइंट. वॉट आर द प्राइमरी एलिमेंट यूज फॉर द फ्लो मेजरमेंट. फ्लो मेजरमेंट में प्राइमरी एलिमेंट क्या होंगे, जैसे ऑरिफिस प्लेट है, वेंचुरी ट्यूब है, पिटोट ट्यूब है, एंड फ्लो नोजल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉट इज मैथमेटिकल मॉडलिंग. मैथमेटिकल मॉडलिंग इज अ सेट ऑफ इक्वेशन दैट कैरेक्टराइज द प्रोसेस. जनरली कोई भी सिस्टम का मैथमेटिकल मॉडल क्या होता है कि सेट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन या सेट ऑफ इक्वेशन ऐसे होते हैं
वो कंप्लीटली हमें प्रोसेस का नॉलेज देते हैं, प्रोसेस में कैसे वर्क करता है, उसका फ्लो कैसा रहेगा, दैट कैन बी कंसिडर एज अ मैथमेटिकल मॉडल. वॉट आर द प्राइमरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट आर द प्राइमरी एलिमेंट्स ऑफ मेजरिंग प्रेशर? सो दीज आर द प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट फॉर प्रेशर: बॉर्डन ट्यूब, डायफ्राम, कैप्सूल, बेलोस, प्रेशर स्प्रिंग्स. डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉर्डन ट्यूब वी दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ड्यूरिंग प्रेशर मेजर: सी टाइप, हेलिकल टाइप एंड स्पायरल टाइप. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट स्प्लिट रेंज कंट्रोल एंड सिलेक्टिव कंट्रोल. सो स्प्लिट रेंज कंट्रोल सिस्टम इन्वॉल्व्स वन मेजरमेंट एंड मोर देन वन मैनिपुलेटेड वेरिएबल. सो उसमें वन मेजरमेंट होगा और मोर देन वन मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स रहेंगे. एंड इन द सिलेक्टिव कंट्रोल इन्वॉल्व्स ओनली वन मैनिपुलेटेड वेरिएबल एंड सेवरल कंट्रोल आउटपुट. सो वन मैनिपुलेटेड वेरिएबल एंड वी हैव अ सेवरल कंट्रोल आउटपुट. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्प्लिट रेंज कंट्रोल एंड सिलेक्टिव कंट्रोल. वॉट आर द एडवांटेजेस ऑफ फीड फॉरवर्ड कंट्रोल? जैसे कंट्रोल सिस्टम में सो मेनी कंट्रोल टेक्निक्स होती है. सो फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर है, इट एक्ट्स बिफोर द डिस्टर्बेंस इज फेल्ट बाय द प्रोसेस. कि डिस्टर्बेंस को पहले ही से ही डिटेक्ट करके उसको रिमूव कर देगा बिफोर वी गेट द आउटपुट. बट फीड फॉरवर्ड सिस्टम इज सुटेबल फॉर द स्लगेस्ट सिस्टम, स्लो सिस्टम्स. इफ द सिस्टम इज फास्ट, वी कैन नॉट यूज फीड फॉरवर्ड कंट्रोल. एज वेल एज इफ द सिस्टम डायनेमिक्स आर अननोन, इफ द वी हैव अननोन डायनेमिक्स इन द सिस्टम, अननोन डिस्टर्बेंस इन द सिस्टम, सो वी कैन नॉट यूज द फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर. वॉट इज द पर्पज ऑफ फाइनल कंट्रोल एलिमेंट? दैट वी ऑलरेडी डिस्कस, दैट इट डायरेक्टली रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ एनर्जी टू द प्रोसेस. So we have discussed so many questions of instrumentation and control, and we have seen some of the good questions that can be asked in the interview. So this is all about the instrumentation and control. So I think, you hope you like the video. Thank you very much. Jai Hind.